देवों के देव महादेव अर्थात भगवान शिव, जिनकी जटाओं से गंगा नदी बहती है और जिनकी सवारी है नंदी। नंदी कौन थे और कैसे बने भगवान शिव के प्रमुख गणों में से सर्वोच्च? क्या है इनकी कहानी, आइए जानते हैं। पुराणों में यह कथा मिलती है कि जब शिलाद ऋषि ब्रह्मचारी हो गए तो उनका वंश समाप्त होते देख उनके पितर चिंतित हो गए और उन्होंने अपनी चिंता शिलाद ऋषि को बताई। शिलाद ऋषि हमेशा योग तप आदि में व्यस्त रहा करते थे, इसीलिए वे विवाह नहीं करना चाहते थे अर्थात गृहस्थ आश्रम को अपनाना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने संतान की कामना करते हुए इंद्रदेव को तप से प्रसन्न किया और एक ऐसे पुत्र का वरदान मांगा जो मृत्यु से हीन हो। इंद्र ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए भगवान शिव को प्रसन्न करो। तब शिलाद ने कठोर तपस्या कर शिव को प्रसन्न किया और उनसे उनकी ही तरह दिव्य पुत्र को मांगा जो कि मृत्युहीन हो। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दे दिया। कुछ समय के बाद एक दिन जब शिलाद भूमि जोत रहे थे तो उन्हें एक बालक मिला और शिलाद ने उसका नाम नंदी रख दिया और उसे संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त कराया। एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्रा और वरुण नाम के दो ऋषि मुनि पधारे। नंदी ने अपने पिता की आज्ञा से उन ऋषियों की अच्छे से सेवा की। जब ऋषि जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को तो लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया लेकिन नंदी को नहीं। तब शिलाद ऋषि ने उनसे पूछा कि उन्होंने नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने बताया कि नंदी अल्पायु है। यह सुनकर शिलाद चिंतित हो गए और पिता को चिंता में देखकर नंदी ने जब कारण पूछा तो शिलाद ने सब बता दिया। यह सुनकर नंदी हंसने लगे और बोले कि आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से पाया है तो मेरी उम्र की रक्षा भी वही करेंगे, आप क्यों चिंता करते हैं। इतना कहने के बाद नंदी वन में शिव की तपस्या करने के लिए चले गए। कठोर तप के बाद शिव प्रकट हुए और कहा कि वरदान मांगो वत्स। तब नंदी ने कहा कि मैं उम्र भर आपके साथ रहना चाहता हूँ या आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ, आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देकर उन्हें अपने वाहन, अपना दोस्त और अपने गणों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार किया। नंदी को भक्ति और शक्ति का प्रतीक भी माना गया है। कहा जाता है कि जो भगवान भोले से मिलना चाहता है नंदी पहले उसकी भक्ति की परीक्षा लेते हैं। भगवान शिव के प्रति नंदी की भक्ति और समर्पण की वजह से ही कलयुग में भी भगवान शिव के साथ नंदी की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी नंदी की। आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलते चलते हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मनोरंजक विषय के साथ। जय हिंद।